मेरा तू दृढ़गढ़ शरण स्थान, मेरा तू आसरा मेरी चट्टान, मेरा तू दृढ़गढ़ शरण स्थान, मेरा तू आसरा मेरी चट्टान। आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू, तेरी ही महिमा में करूं। आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू, तेरी ही महिमा में करूं। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास डेविड पीआई से गुजरात से वजन से बांटा जाएगा। परमेश्वर के नाम में स्तुति हो। मॉर्निंग वॉइस द्वारा सुनने वाला तमाम श्रोता गणों को प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में सुप्रभात। आज का मनन के लिए यशायाह नबी का पुस्तक 45 अध्याय के 22 जो पद में पढ़ने के लिए चाहता हूँ, और उधर इस प्रकार लिखा है, और जो परमेश्वर का जो वाणी है भविष्यवक्ता यशायाह नबी द्वारा जो इस प्रकार जो बताते हैं, ये थोड़ा ध्यान से सुनिए। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वाले, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। हम परमेश्वर के धन्यवाद करेंगे। पिता परमेश्वर ने अपने सर्वज्ञान के अनुसार हमें पहले से जो जान लिया और ठहराया भी है, जो पवित्र शास्त्र बाइबल में जो दूसरा तिमोथी पहले अध्याय का 9वां पद में इस प्रकार लिखा है, हमारा उद्धार के बारे में, हमारा बुलाहट के बारे में पौल जो तिमोथी के पत्र में लिख के हमको दिया है। इसलिए समय समय पर परमेश्वर पिता ने हमें बुलाया भी है। परमेश्वर की बुलाहट समस्त मानव जाति के लिए है। यशायाह नबी का पुस्तक में ऑलरेडी पढ़ चुका है, में लिखा है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरे और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। और यशायाह नबी का पुस्तक पहले अध्याय का 18वां पद में लिखा है, मैं यहोवा कहता हूँ, हे आओ हम आपस में धन्यवाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के ही हो तो भी मैं हिम के समान उछाले ही जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान स्वेद हो जाएंगे। प्यारे मित्रों, पिता परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है, जो प्रथम वक्त में बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह के होने के लिए हमको क्यों बुलाया है, नंबर वन प्रथम जो ये है, यीशु मसीह के होने के लिए, तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाया गया हो, रोमियो की पत्री पहले अध्याय 6वां पद में लिखा है। उद्धार पाए हुए लोगों यीशु मसीह के हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू से जो हमको क्या किया है, मोल लिया है। यीशु मसीह में हमें सुरक्षित है, हमारे काम और बोली के द्वारा यीशु मसीह को प्रकट करना हमारा उत्तरदायित्व है। प्रभु यीशु हमारे हैं और हम
उसके हैं। वो पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार लिखा है। जो दूसरा जो कार्य ही है और पवित्र होने के लिए हमको बुलाया है, जो पहले व्यक्ति ही है हम सुना है यीशु मसीह के होने के लिए, दूसरा है पवित्र होने के लिए हमको बुलाया है। रोमियों के पत्र पहले अध्याय का 7वां पद में लिखा है और पत्रस के पहले अध्याय का 15-16 पद में लिखा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे जो चाल चलन में पवित्र बनो। बाइबल स्पष्ट जी से हमको बताते हैं हम जो पवित्र से चाल चलन करने का है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हमारे स्वर्गीय पिता पवित्र हैं। प्रभु यीशु ने अपने जीवन के द्वारा और मृत्यु के द्वारा पवित्रता का पवित्रता को प्रकट किया है। पवित्र आत्मा हमारे भीतर वास करता है, हमारी अगुवाई करता है, भरपूरी के साथ एक पवित्र जीवन के लिए परमेश्वर ने हमें सुसज्जित किया है। परमेश्वर का वचन पवित्र है, परमेश्वर के उपस्थिति पवित्र है और यीशु मसीह का लहू भी पवित्र है। इन्हीं सभी के द्वारा एक पवित्र जीवन के लिए परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है और प्रार्थना यही है, हे पिता परमेश्वर एक पवित्रता के लिए जीवन पवित्रता पवित्र जीवन के लिए मेरी सहायता करे और आमीन। ऐसा हम प्रार्थना करके हम पवित्र हृदय से आगे बढ़ने का है। और तीसरा व्यक्ति यही है और स्वतंत्रता होने के लिए बुलाया है। गलातियों के पत्र 5वां अध्याय 13वें पद में लिखा है, हे भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गया हो। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्रता किया है। जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, जो व्यवस्था के अधीन है वह व्यवस्था का दास है, जो धर्म का अधीन है वह धर्म का दास है, लेकिन जो प्रभु यीशु के साथ सत्य पर चलता है वह परमेश्वर का पुत्र है। जो आत्मा के अनुसार चलता है वह स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, वह ना व्यवस्था के अधीन है और ना पाप के अधीन है। अब हमें स्थिर रहने हैं दासुत के पुत्र में, फिर से ना जूते। प्यारे मित्रों और तीसरी बात यही है, जल्दी एक बात बोल के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। और चौथा बात यही है, आनंद महिमा के लिए हमको बुलाया है। पहले पत्रस 5वां अध्याय का 10वां पद में लिखा है, परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दादा है और जिसने तुम्हें मसीह में अपने आनंद महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो जाए, तुम्हें अपने राज्य और महिमा में जो बुलाता है। पहले तस्लोनी 2वां अध्याय और 12वां पद में परमेश्वर की महिमा हर विश्वासी का लक्ष्य होना चाहिए। आनंद महिमा हमारे बुलाने का स्वतंत्रता जो उद्देश्य है। अंद हमारी प्रार्थना यह होनी चाहिए, हे परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं अपने जो आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी महिमा नहीं आपकी महिमा हो। परमेश्वर के नाम का जो अनादर करने वाला कोई भी काम हम ना करें। प्यारे मित्रों इन चार बातों जो हमारे जीवन में प्रभु की बुलाहट से हमको मिल गया है,
इस वचन के द्वारा हम प्रभु को स्तुति महिमा करके आराधना करें इस पवित्र दिन के जो सुबह सुबह समय में और शाम को समय में आराधना जब करते हैं तब ये याद रखकर हम प्रभु को धन्यवाद स्तुति महिमा करें आराधना करें। प्रभु इन वचनों द्वारा हमको शक्ति और सामर्थ्य दीजिए।